खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। हमारे क्षेत्र में पिछले 22 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब हमें कुछ आभास भी हो रहा था कि हमारे क्षेत्रों में भी इस तरह की समस्या, क्योंकि ये दिसंबर से वुहान से शुरू हुई थी समस्या और पूरे विश्व में ये विश्वव्यापी समस्या हो गई और भारतवर्ष भी इसके चपेट में आ गया। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 37 जगह में यह कोरोना का आज दुष्प्रभाव है। आज 15 से 16 हज़ार लोग आज कोरोना के इस वायरस से ग्रसित हैं। 350-400 से ऊपर मौतें आज हमारे पूरे भारतवर्ष में हुई है। बहुत सारे प्रधानमंत्री जी और सभी राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्री भी इसमें काफ़ी इसको विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और हमने अपने अपने क्षेत्रों में भी जिस तरह से माइग्रेंट लोगों की जो घटना हुई बांद्रा के अंदर में भी, तो हमने 23 तारीख से हमने अपने क्षेत्रों में भी 20,000 किलो हमने राशन का वितरण किया है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया, वो एरिया है पुराना है, 30-40 साल से जब लोगों को जानते थे हमको एरिया का एक पता भी चल रहा है कि कौन सा एरिया जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे है, तो वहाँ हमने ऑलरेडी किट सरकार के जो राशन की दुकानों में सहायता आने के पहले ही हमने करीब करीब उनको 15 से 20 दिन का राशन, 15 से 16 किलो का जो किट है हमने सभी को उपलब्ध करवाया था। जो माइग्रेंट जो लोग थे जो बाहर से आकर के काम, दिहाड़ी मजदूर, क्योंकि पारला एक बड़ा स्टेशन, उसके बड़े सेंटर हुआ करते हैं और वो पारला एक बड़ा सेंटर है, अंदरी स्टेशन उसका सेंटर है, तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके हमने उन लोगों को भी उनके घरों में भी उस राशन की हमने व्यवस्था की है। आने वाले समय में भी जो कुछ बचे हुए लोग हैं उनको भी, अभी तक हमने 1200 फैमिली को कवर किया इस पूरे कोरोना को, जब ये 23 तारीख को लॉकडाउन और आज तारीख आ गई है 20 तारीख है, तो इस दरमियान हमने 1200 फैमिली को कवर किया है। और भी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना जो डिटेल्स आती है हमारे पास में, तो हमारे कार्यकर्ता, न कि हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं, सिर्फ हम हमारे कार्यकर्ता हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और एक एक करके वो घर में ही रहते हैं, हम एक एक करके उस घर में उस किट को वहाँ पर दे देते हैं। नहीं तो बस्ती में कोई बड़ी जगह होगी, वहाँ पर कोई समाज कल्याण केंद्र होगा, तो उस बस्ती के लोगों के साथ में उसके जो मंडल के अध्यक्ष और उनके साथ में लेकर के हम एक एक लाइन के साथ में 10-10 आदमी को खड़ा करवाते हैं अपना सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, और सभी को कहते हैं कि आप सभी को इसमें राशन मिलेगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ये सब उपयोग करिए और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्या है और पूरे देश में भी इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा है, तो जब तक सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए, हमारी तरफ से जो भी ज़रूरत होगी एक सेवा के माध्यम से या एक राजनीति के माध्यम से जो सेवा हमसे हो सकती है हम अपने पूरे क्षेत्रों में कर रहे हैं। आज तक कोई भी कोरोना का पेशेंट मेरे हमारे वार्ड 70 में नहीं हुआ है। हमने करीब 1200 बिल्डिंगों को सैनिटाइज किया है, 10-10 मशीनें हमारी सैनिटाइज की है, जितने भी सुलभ शौचालय हैं, जितने भी जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में स्लम के लोग वहाँ पर शौच करने आते हैं, उनको हम रोज दिन में 2 बार उसको सैनिटाइज करवाते हैं, बिल्डिंगों में सैनिटाइज करवाते हैं, रस्तों के ऊपर भी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी, नगर सेविका यहाँ पे सुनीता मेहता जी है, उनके माध्यम से भी हम अपने पूरे क्षेत्रों में अपने लोगों का हम ध्यान रख रहे हैं, जिससे कि कम से कम हमारा वार्ड कोरोना के प्रभाव से मुक्त हो, यही हमारा प्रयास है। किट में जैसा आपने कहा कि हम वो बहुत ज़्यादा इसमें शो वगैरह नहीं करते हैं, किट की एक बहुत बड़ी एक थैली रहती है जिसके अंदर में 5 किलो राइस रहता है, 5 किलो गेहूँ रहता है, 1 किलो दाल देते हैं, 1 किलो सनफ्लावर का तेल रहता है, चाय पत्ती रहती है 1.5 किलो की, और तुअर दाल रहती है, और कांदा और बटाटा 2-2 किलो, तो इस तरह का एक पूरा किट हम बनाते हैं
और उसमें हम सैनिटाइजर भी एक बॉटल रखते हैं, मास्क भी रखते हैं घर के फैमिली के लिए, और इस तरह से पूरा एक किट बना करके, एक थैली बना करके, और फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि कम से कम एक छोटी फैमिली होगी तो 15 से 20 दिन का यह जो किट है उनको पूरा हो जाएगा। राशन की दुकानों में भी अभी राशन का वितरण भी शुरू हो गया है, फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है हमारे लोगों के पास से तो हमको और भी 15 दिन का भी हमने दिया है, और ज़रूरत लगी तो 15 दिन का और भी हम एक्सटेंड करके किट फिर से हम उसको जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे, और हमको पता है जिनके पास मतलब आधार कार्ड है ना, रेशन कार्ड है ना, कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी बेसिस पे दे रहे। राशन कार्ड वालों की जो समस्या आ रही है, जो गरीबी रेखा के नीचे वो राशन की दुकानों से ले रहे, लेकिन वो 60,000 की अपर लिमिट के ऊपर जो आते हैं उनके पास भी अगर कुछ नहीं है, उनको भी हम किट अवेलेबल कर रहे हैं। और ऐसे जो कोई भी आता है, मिडिल क्लास हो या गरीबी रेखा के नीचे, लेकिन उसका अगर बोलना है कि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो हम इमीडिएटली हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम वहाँ पर उस किट को इमीडिएटली विद इन एक घंटे के अंदर उसको मुहैया कराते हैं। वोट बैंक की राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम किट दे रहे हैं, हम किसी आप पूरे क्षेत्र में अगर कहीं जाएंगे तो हमारा कोई लेबल नहीं होता है, हमारा कोई किट के ऊपर नाम नहीं होता है। एक हमारा एक कार्यकर्ता जाता है, किट्स रखता है, वहाँ के जो स्थानिक मंडल होता है उसको बुलाता है, उसके माध्यम से हम किट देते हैं। कोई इस तरह का कोई प्रचार, कोई राजनीति, ये तो एक सेवा का माध्यम है, क्योंकि एक ऐसे मुसीबत के टाइम पर अगर हम उनके साथ में नहीं खड़े रहेंगे तो उससे ज़्यादा कौन सी बड़ी बात होगी। तो उसी लिए हमने हमारा किसी भी तरह का इसके अंदर में कोई एंगल हम रखते नहीं है प्रचार का भी, और एक प्योर जिसको हम बोलते हैं ना सेवा, और सेवा का माध्यम ये हमारे दिल में रखते हुए हम निस्वार्थ सेवा उनकी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो राशन के किट दे रहे हैं उसी कड़ी के अंदर में, जैसा कि 23-22 मार्च को जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जनता कर्फ्यू था, उसके बाद से ही हमारे को स्थिति की गंभीरता समझ में आई, और हमने उसके 2-3 दिन के बाद में भी 1500 लोगों का सुबह में खिचड़ी रहती है, पुलाव रहता है, और जैसा जैसा कि पूरी भाजी रहती है, ऐसे 1500 लोग सुबह में 12 से 2 के बीच में और शाम को 7 से 9 के बीच में हमारे यहाँ पे हम ये 1500 लोगों के खाने की व्यवस्था, भोजन वो करते हैं यहाँ। वैसे बेसिकली कोई एरिया है मतलब यहीं बांटना है, यहीं गरीब ज़्यादा है ऐसा कुछ है या? एक्चुअली में जब 1500 लोगों की बात आती है तो 1500 लोग तो यहाँ पे बुलाते नहीं हैं उसको, तो उसमें जो बस्ती है, जो हमने बस्तियाँ जो चिन्हित की है, जो गरीबी रेखा के नीचे ऐसी सभी बस्तियों में हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता हमने अपॉइंट किए हुए, तो उस बस्तियों में कोई बस्ती को 50 पैकेट्स की ज़रूरत है, कोई बस्ती को 100 पैकेट्स की ज़रूरत है, तो ऐसे सभी बस्तियों के वॉलंटियर्स आते हैं उसी टाइम पर, और वही टाइम पर उनके हाथ में हम देते हैं, वो वॉलंटियर जाके उनके घर घर में देकर भी आता है, और जो बाकी के लोग रहते हैं जिनको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर 1-2 पैकेट 2-4 पैकेट जैसे लेके जाते हैं वो वैसे, लेकिन जो बल्क में हम जाते हैं उस बस्तियों में, तो हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ से खाना लेकर भी जाकर बस्ती में एक एक घर में बांटते हैं। आज चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके इस चैनल को हजारों लाखों की संख्या में लोग देखते हैं रोज, और सभी राज्यों में आपका चैनल का प्रभाव है, तो मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि विषय बहुत गंभीर है, पूरे विश्व में 7-8 लाख लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित है, भारतवर्ष में भी नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया उससे स्थिति काफ़ी कंट्रोल है, क्योंकि विश्व में इतनी बड़ी आबादी वाला देश और उसके अंदर में हमारे पास में 15 से 20 हज़ार के बीच ही अभी आंकड़े हमारे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है लॉकडाउन के बाद में, उनको नंबर एक पे रखा है कि इतना बड़ा जो निर्णय उन्होंने लिया, जिससे क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आबादी स्लम में रहती है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, सीमित संसाधनों के बल पर हम देश चला रहे हैं, और इसके बीच में मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा सभी से कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, गैदर मत करिए, किसी भी समारोह के अंदर में अभी फिलहाल शामिल नहीं हुई है, कुछ नहीं, आपने इतने दिनों तक आपने सरकार की सभी जो बातों का, आपने सप्तपदी जो प्रधानमंत्री ने कही है उसका भी पालन करिए, आयुष मंत्रालय की उस बातों का पालन करिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, और यही अपील मैं आपके आज माध्यम से करना चाहता हूँ।